स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। एक छोटा सा टॉपिक है विश्व के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 8 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा, इसको आप अच्छे से देखें और एक नंबर अपना सुनिश्चित कर लें। तो देखिए, मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक क्यों लाता हूँ, क्योंकि एग्जाम में है ना, जो ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे जो है इन टॉपिक को इग्नोर करते हैं, इस वजह से क्या होता है कि साधारण व्यक्ति से भी, साधारण छात्र से भी एक आध नंबर आप कम ला पाते हैं एग्जाम में, वहीं आपका मेरिट बनने में समस्या होती है ना। तो ऐसे छोटे छोटे जितने तमाम टॉपिक हैं सबको मैं कवर कराऊंगा। तो देखिए, यह है प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, जिन देशों की गुप्तचर संस्थाएं हैं, जिनमें प्रमुख हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बहुत बार पूछा जाता है कि मोसाद, मोसाद कहाँ की, किस देश की गुप्तचर संस्था है। जैसे भारत का आपको CBI है, रॉ है, IB है ना, गुप्तचर संस्थाएं, उसी प्रकार से अन्य देश में भी हैं। तो मोसाद की बात की जाए तो यह इसराइल, जी हाँ, इसराइल की गुप्तचर संस्था है मोसाद। ध्यान दीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि मोसाद जो है वह इसराइल की गुप्तचर संस्था है। नाइचो की बात की जाए तो नाइचो जो है वह जापान की गुप्तचर संस्था है। चलिए, नाइचो कहाँ की है, जापान, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, नाइचो जापान। 1 से 2 बार देखेंगे वीडियो को, आपको सब याद हो जाएगा। इसराइल मोसाद, जापान नाइचो। अभी हमने बताया रॉ या IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, और CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ठीक ना। तो ये तीनों जो है यह आपका कहाँ का है, तो यह भारत का है। ठीक, आगे चले, ISI। तो ISI आपको पता है कि पाकिस्तान का है, किसका है, पाकिस्तान का है। ISI जो एजेंसी है, गुप्तचर संस्था है, यह किस देश की है, तो भैया यह पाकिस्तान की है, कोई दिक्कत नहीं है। KGB और GRU ये दोनों आपका रूस का है, कहाँ का है, रूस का है। KGB और GRU ये दोनों जो संस्था है, गुप्तचर संस्था है, यह दोनों रूस का है, ठीक ना। मुखबरात, मुखबरात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए मोसाद, इसमें मैं स्टार लगा दे रहा हूं, बहुत बार पूछा गया है। मुखबरात, मुखबरात यह मिस्र की है, कहाँ की है, मिस्र की। तो यह याद रखिएगा, मुखबरात मिस्र, ध्यान दीजिए, मुखबरात मिस्र, यह बहुत बार पूछा गया है, इसमें भी मैं स्टार लगा दिया हूं। सावाक, सावाक जो है यह ईरान की है, कहाँ की है दोस्तों, ईरान की है। सावाक जो है वह ईरान की है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, सावाक जो है यह ईरान की है। देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, मुखबरात है मिस्र की, ठीक, और अल मुखबरात है, ध्यान देना है, मुखबरात मिस्र और अल मुखबरात इराक, कहां, इराक, ठीक ना, मुखबरात मिस्र और अल मुखबरात इराक, इसको भी स्टार लगाइए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अल मुखबरात अल लगा रहे तो इराक बताइएगा, और खाली मुखबरात रहे तो मिस्र बताइएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, AMI और स्पेशल ब्रांच, AMI स्पेशल ब्रांच एक और है यहां का, अल्ट्रा, क्या है, अल्ट्रा। यह तीनों जो है यह ब्रिटेन, कहां का है भैया, ब्रिटेन, ध्यान देना है। AMI स्पेशल ब्रांच या अल्ट्रा, यह तीनों जो एजेंसी है, गुप्तचर एजेंसी है, यह तीनों ब्रिटेन की है, कहाँ की है, ब्रिटेन। अगर इंग्लैंड ऑप्शन में दे तो गलत मत करिएगा, इंग्लैंड ब्रिटेन कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक ना, इसको आप नाम से ही पकड़ लेंगे। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी है ना, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, यह जो है ऑस्ट्रेलियन है, तो नाम से ही आप पकड़ लेंगे, ठीक ना, क्या पकड़ लेंगे, नाम से ही। फेडरल, फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस, यह आपका दक्षिणी अफ्रीका का है, यानी कि साउथ अफ्रीका, ठीक, फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस, ओके, फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस, यह जो है यह आपका साउथ अफ्रीका। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस जो है यह मैं लिख देता हूं, यह है आपका कनाडा का, कहां का है भैया, कनाडा का, ओके। BND, BND आपका जर्मनी का है, कहाँ का है, जर्मनी का, कोई दिक्कत नहीं है। CESID, CESID यह आपका स्पेन का है भैया, कहाँ का है, स्पेन का है। CESID यह आपका जो गुप्तचर है यह स्पेन का है, तो ध्यान दीजिएगा, स्पेन। DGI,
डीजीआई देखिए इंपॉर्टेंट है, डीजीआई एग्जाम में हूबहू आता है भैया, तो डीजीआई जो है यह क्यूबा का है। कहाँ का है? क्यूबा का है। डीजीआई क्यूबा की राजधानी, कमेंट करिए, क्यूबा की राजधानी है हवाना, ठीक ना, क्यूबा की हवाना। ठीक, चलें आगे चलें। देखिए डायरेक्टरेट ऑफ टेरिस्ट्रियल सर्वेलेंस, डायरेक्टरेट ऑफ टेरिस्ट्रियल सर्वेलेंस ये आपका है कहाँ का है भैया? तो फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का। डायरेक्टरेट देखिए नाम थोड़ा सा है लेंदी टाइप का लग रहा है, डायरेक्टरेट ऑफ टेरिस्ट्रियल सर्वेलेंस फ्रांस। ओके, ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट ये आपका चीन का है। कहाँ का है? चीन, पड़ोसी अपना है ना चीन, तो ध्यान दीजिएगा चीन। ओके, FBI और CIA दो है, ये दोनों भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि USA का है। एक बार फिर फटाफट, मोसाद इजराइल, नाइचो जापान, रॉ IB CBI भारत, ISI पाकिस्तान, KGB GRU रूस, मुखबरात मिस्र, सावाक ईरान, अल मुखबरात इराक, MI स्पेशल ब्रांच और अल्ट्रा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑस्ट्रेलिया जान ही रहे आप, फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस दक्षिण अफ्रीका जान ही रहे आप, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस कनाडा आप जान ही रहे हैं, BND जर्मनी, CESID स्पेन है ना, DGI क्यूबा जिसकी राजधानी हवाना बताया है ना, डायरेक्टरेट ऑफ टेरिस्ट्रियल सर्वेलेंस फ्रांस है ना, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट चाइना, FBI और CIA USA। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को जो आप बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, वरना एग्जाम में आपका एक नंबर सीधा आपके हृदय पर लगेगा। इसलिए ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को, 10 से 8 मिनट का टॉपिक होता है, आसानी से आप देख लें, एक से दो बार देख लें, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को देखिए, महल बनता है तो एक एक ईंट को जोड़ करके महल बनता है, डायरेक्ट कोई महल नहीं बन जाता है। उसी प्रकार से आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा, इन छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर मत करिए, सबको देखिए, पढ़िए, कहीं से भी आप पढ़िए, ऐसे करके आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।